हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैफ। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में मैं तीन पजल प्लस लॉक्स को डिस्कस करूँगी एंड ये पार्ट वन है। एक पार्ट और अपलोड होगा जिसमें मैं बाकी के पजल्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। सो ये क्वेश्चंस जो है वो मुझे मेल करे गए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इसमें और क्वेश्चंस जो थे इस टाइप के वो कैसे कैसे बने थे, तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर एंड ये बेस्ड है ब्लड रिलेशन पे। देखिए किसी की शिफ्ट में ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बड़ा आया था एंड किसी की शिफ्ट में जो ब्लड रिलेशन है वो एक या दो लाइन का आया था, ठीक है। तो हो सकता है ये आपके शिफ्ट में ना हो, आपके नेक्स्ट वाली शिफ्ट में हो या आपसे पहले वाली शिफ्ट में हो, राइट, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में मैं ब्लड रिलेशन का जो पजल है वो डिस्कस करने वाली हूँ एंड जो आपका लीनियर बेस्ड है वो डिस्कस करूँगी और जो आपका मंथ बेस्ड है उसे डिस्कस करूँगी, प्लस लॉक्स के जो एक दो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उन्हें डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग, नेक्स्ट पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं बॉक्स बेस्ड डिस्कस करूंगी, वॉलेट बेस्ड डिस्कस करूंगी, डिस्टेंस का जो पजल है उसे डिस्कस करूंगी एंड जो मिसलेनियस है उसे डिस्कस करूंगी। ओके, तो ये चारों में एक साथ ही ले आऊंगी और हाँ, एक आपका रो बेस्ड पजल है उसे भी डिस्कस करूंगी, राइट। तो उसमें मैं पांच चीजें कवर करूंगी, सो वो आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो है वो काफी इजी पूछे गए थे और लोग अच्छे अटेम्प्ट भी कर आए हैं, सो बेहतर है कि अटेम्प्ट जब लोग कर आ रहे हैं तो आप भी बिल्कुल कर देंगे, तो बेहतर है कि आप जो आपसे जो कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर आपसे जो पढ़ने में मिस्टेक है वो ना हो, क्योंकि अब जो मैटर करती है वो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने अटेम्प्ट करे हैं, ये मैटर करता है कि आपने एक्यूरेसी के संग कितने अटेम्प्ट करे हैं। ओके, अगर आप 78 करके आते हो खाली 65 उसमें करेक्ट हुए तो फिर बेकार है 78 करना, राइट। तो अगर आप 78 या 75 भी कर आ रहे हैं तो करीबन 72 74 आपके करेक्ट होने चाहिए, मतलब आपको इतना एक्यूरेट करके आने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गिविन है 8 पीपल पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर फ्रॉम अ फैमिली। सो यहाँ पे आपके 8 पर्सन हैं जो कि फैमिली से बिलोंग करते हैं। देयर आर 2 मैरिड कपल्स एंड 3 जनरेशन इन द फैमिली। यहाँ पे आपके 2 मैरिड कपल हैं और 3 जनरेशन है, तो उसको दिखा देंगे। यहाँ पे 2 मैरिड कपल लिखेंगे हम, ओके, एंड 3 यहाँ पे क्या है, 3 यहाँ पे जनरेशन होंगी, राइट। फिर कह रहे हैं पी इज द मदर ऑफ टी, हु इज द वाइफ ऑफ एस। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, जहां पे आपका फुल स्टॉप आएगा अपने सेंटेंस को वहीं खत्म करिएगा। यहाँ पे जैसे कि कॉमा वगैरह आता है तो वहां पे मत खत्म करिएगा, फिर पॉसिबिलिटी बनेगी, तो बेहतर है कि थोड़ा सा आगे तक आप पढ़ते हुए जाना। सो यहाँ पे कह रहे हैं पी इज द मदर ऑफ टी, तो उसको दिखा देंगे कि पी जो है वो मदर है टी की, और यहाँ पे मदर है यानी कि फीमेल है, और फीमेल है तो हम इसे सर्कल से यहाँ पे दिखाएंगे और जो मेल है उसको हम स्क्वायर से दिखाएंगे। सो पी इज द मदर ऑफ पी, पी जो है वो मदर है टी की, हु इज द वाइफ ऑफ एस, तो टी के बारे में कह रहे हैं हु इज द वाइफ ऑफ एस, यानी कि टी जो है वो क्या है यहाँ पे वाइफ है किसकी, एस की। फिर कह रहे हैं वी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, वी जो है वो ब्रदर है क्यू का, तो अभी देखो ना तो यहाँ पे वी का यूज हुआ है ना ही क्यू का, तो इसको हम दिखा देंगे V is the brother of Q. Then R is the mother of W, who is the brother of P. तो R is the mother of W, who is the brother of P. तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको P के संग इसका रिलेशन यहाँ पे शो कर सकते हैं कि W के बारे में गिवन है कि W जो है वो ब्रदर है यहाँ पे P का, तो यहाँ पे W ब्रदर है तो इसे यहाँ पे शो कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स दिखाएंगे। और यहाँ पे R जो है वो मदर है W की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब R W की मदर है तो ये फिर यहाँ पे P की भी मदर होंगी, राइट। दोनों यहाँ पे क्या है, सिब्लिंग्स हैं, भाई बहन हैं। आगे देखते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे टी इज द ओनली डॉटर ऑफ वी, टी जो है वो ओनली डॉटर है किसकी, वी की। सो टी जब ओनली डॉटर है वी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी की मदर कौन है, पी, यानी कि जो वी है वो कौन होंगे इसके फादर। और वी से रिलेटेड पॉइंट हमारे पास एक और भी है कि वी एंड क्यू के बीच में कि वी जो है वो ब्रदर है किसका, क्यू का। एक बात और, यहाँ पे हमें जो 2 मैरिड कपल चाहिए थे वो दोनों का हम यूज़ कर चुके हैं, दोनों ही मैरिड कपल को बना चुके हैं, तो अब आप ध्यान रखिएगा कोई भी यहाँ पे मैरिड कपल हमें नहीं मिलना चाहिए। फिर कह रहे हैं यू इज़ अ सिस्टर ऑफ एस, यू जो है वो सिस्टर है एस की, तो ठीक है इसे भी शो कर देंगे, यू इज़ अ सिस्टर ऑफ एस, तो ठीक है हमें कोई मैरिड कपल एक्स्ट्रा भी नहीं मिला, 3 जनरेशन भी बन गई और सारी कंडीशन भी सैटिस्फाइड हो गई। बट हमें क्यू के बारे में नहीं पता है कि क्यू जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, सो इसे ऐसे छोड़ देंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। अगर ये यहाँ पे फीमेल होती है तो पी के संग इसका रिलेशन कैसे बनकर आएगा, सिस्टर इन लॉ का। अगर ये यहाँ पे मेल होता है तो यहाँ पे पी के संग रिलेशन क्या बनेगा इसका, ब्रदर इन लॉ का, राइट। तो इस तरीके से इसके रिलेशंस यहाँ पे बनके आएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आए थे उनको हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर,
गिवन है, हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू, यू जो है वो कैसे रिलेटेड है क्यू से. तो देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे आंसर जो है वो कैन नॉट बी अ डिटरमाइंड नहीं लगाओगे. क्यों नहीं लगाओगे, देखो यहाँ पे रिलेशन देखो एक बार कि यू कि यहाँ पे जो क्यू है उसका यू से रिलेशन क्या है. तो अभी आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमें क्यू के बारे में तो पता नहीं है कि क्यू जो है वो यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है, सो हम इसका रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते. तो यानी कि आंसर जो है वो क्या होगा, आपको कैन नॉट बी अ डिटरमाइंड होगा, राइट. तो ऐसी जो गलती है वो आपसे जल्दीबाजी में हो सकती है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करना जल्दीबाजी में. देखो यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ इज यू रिलेटेड टू क्यू, यू जो है वो कैसे रिलेटेड है क्यू से. तो यहाँ पे यू के बारे में बताना है कि यू कैसे रिलेटेड है. तो क्यू से यू कैसे रिलेटेड है, ये इसकी कौन लग रही है, ये इसकी नीज लग रही है, राइट. ये इसकी नीज लग रही है, तो यानी कि यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन ए. दूसरी बात, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू, एस कैसे रिलेटेड है यहाँ पे यू से. तो आप देख सकते हैं एस यहाँ पे यू से कैसे रिलेटेड है. ओके, सो एस यहाँ पे है और यू यहाँ पे है, तो ये तो साफ साफ है कि एस क्या है, यहाँ पे इसका ब्रदर है. सो एस जब इसका यहाँ पे ब्रदर है, सो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. एस सॉरी यहाँ पे गिवन है वी, आई एम सॉरी, एस रिलेटेड टू वी, वी कैसे, वी से कैसे रिलेटेड है एस. तो एस जो है वो वी से कैसे रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं ये इसकी बेटी का हस्बैंड है, यानी कि ये कौन है, इसका सन इन लॉ. तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, सन इन लॉ. सॉरी यहाँ पे डी होगा करेक्ट आंसर, सन इन लॉ. ये वी है, यू नहीं है, सॉरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपके 6 पर्सन है सिटिंग इन अ रो, जो कि रो में बैठे हैं. सम ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ. कुछ पर्सन जो है वो नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन साउथ की ओर फेस कर रहे हैं. फिर कह रहे हैं ए सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. ए जो है वो सेकंड है वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो. तो इसको कहीं भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको इसको कैसे करना है, अपना जो डायग्राम है उसमें फिट करना है. तो सेकंड है ये किसी एक्सट्रीम एंड से, दोनों पॉसिबिलिटी बना लो. एक में इसको क्या करो, आप राइट एंड से सेकंड कर दो और एक में आप लेफ्ट एंड से सेकंड कर दो, दोनों में पॉसिबिलिटी बना लो. फिर कह रहे हैं बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए. बी जो है वो थर्ड टू द राइट है ए के. तो फर्स्ट डायग्राम में जो राइट में आने के लिए इसको हमें नॉर्थ फेस देना पड़ेगा, तभी बी जो है वो यहां पर आ जाएगा. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम साउथ फेस देते हैं तो इसका राइट इस साइड में जाएगा. यहां पर बात करते हैं तो ए को हम कैसा फेस देंगे, ए को हम साउथ की ओर फेस देंगे, तभी 1 2 3 बी आ जाएगा आपका यहां पर, क्योंकि यहां पर इसको नॉर्थ देते हैं तो राइट में स्पेस नहीं है. फिर कह रहे हैं डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ. तो डी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, बी का और एफ का. तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि अभी बी तो हमारा फिक्स है, एफ फिक्स नहीं है. तो जहां भी एफ आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम डी को सेट करेंगे. देन आगे देखते हैं, तो आगे कह रहे हैं बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन. तो बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई के जो इमीडिएट नेबर है वो कैसे फेस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में. तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया यहाँ पे कि अगर एक पर्सन नॉर्थ फेस करेगा तो दूसरा साउथ करेगा, या फिर ये वाला नॉर्थ फेस करेगा तो ये वाला कैसे करेगा, आपका साउथ फेस करेगा. तो ये होगा यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, या फिर आप जो भी अपना हिंट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. देन बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस सेम डायरेक्शन. एफ के जो दोनों नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे, दोनों या तो आपके नॉर्थ देखेंगे या फिर दोनों आपके साउथ देखेंगे. ओके सॉरी, मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ कि या तो दोनों नॉर्थ देखेंगे या फिर दोनों साउथ देखेंगे. मैं इस तरीके से शो करती हूँ, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसे शो कर सकते हैं. देन ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी. ई जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है बी के. तो फर्स्ट डायग्राम में देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे ई जो है वो इस साइड में तो आ नहीं सकता, यहाँ पर आ सकता है. वन एंड टू सेकंड यहाँ पर आ जाएगा ई. अब यहाँ पे लेफ्ट को दिखाने के लिए हम बी को कैसा फेस कराएंगे, नॉर्थ की ओर. यहाँ पे जो ई है वो यहाँ आ सकता है, और यहाँ पे इसको लेफ्ट दिखाने के लिए हम बी को कैसा फेस कराएंगे, साउथ की ओर, राइट. फिर आगे कह रहे हैं सी सिट्स टू द राइट ऑफ डी. तो सी जो है वो डी की राइट में है, राइट. एंड इसी के बाद डी फेसेस नॉर्थ. डी जो है वो कैसा फेस कर रहा है, डी यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है. सो डी यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है और सी जो है वो उसकी राइट में है. फिर कह रहे हैं सी फेसेस सेम डायरेक्शन एज एफ. सो सी और एफ जो है वो कैसे देख रहे हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, राइट. अब देखते हैं इसे हमें कैसे फिट करना है. देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में, देखो पहले डायग्राम नंबर 2 में डी जो है वो बी के पास तो आ नहीं सकता, ठीक है. यहाँ पे गिवन है कि डी बी के पास नहीं आएगा, एफ के पास नहीं आएगा, यानी कि डी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. और डी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जैसे ही डी यहाँ पे नॉर्थ फेस कर रहा है और सी जो है वो उसकी राइट में आएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सी के लिए स्पेस नहीं है. तो सी के लिए स्पेस नहीं है, इस वजह से इसको हम यहाँ पे कट कर देंगे, आंसर हमारा इसमें आएगा. और डी जो है वो बी का नेबर नहीं है, यानी कि डी यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, डी यहाँ पर आएगा. और ये कैसा फेस करेगा यहाँ पे, ये फेस करेगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में. अब बात आई सी की कि सी यहां पर आएगा या फिर यहां पर आएगा, तो देखो सी को हम कहां लिखेंगे, यहां पे
आप देखोगे तो सी को हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि कहाँ लिखेंगे कि एफ के बारे में ये गिवन है कि एफ के जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो कैसा फेस कर रहे हैं आपका, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि एफ कोई ऐसी जगह आएगा यहाँ जहाँ पे उसके दोनों तरफ पर्सन बैठे हों, उसके दोनों नेबर हों, इस वजह से एफ जो है वो बीच में आएगा और सी एंड में आएगा, राइट right? सिर्फ इस पॉइंट से आप इस बात को पकड़ेंगे कि आपका एफ एंड में आएगा या फिर सी एंड में आएगा। अब आपके जो एफ के जो दोनों पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि बी आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, यानी कि ई भी आपका नॉर्थ फेस करेगा, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ई जो है वो उसके दोनों पर्सन यानी कि दोनों जो इमीडिएट नेबर हैं वो दोनों कैसा फेस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक जो ए है वो नॉर्थ देख रहा है, यानी कि एफ देखेगा यहाँ पे साउथ, इसको भी हटा देंगे। डी बी और एफ के पास नहीं आएगा, ये हो चुका है। सी और एफ सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सॉरी जो आपका एफ है वो साउथ देख रहा है, तो यानी कि सी भी आपको कैसे देखेगा, यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देखेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। सो बहुत ही कम समय में ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, बस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से बनकर आए थे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डी की क्या पोजीशन है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए यहाँ पर है डी यहाँ पर है, तो क्या पोजीशन है इसकी, इमीजिएट लेफ्ट, तो इमीजिएट लेफ्ट है यहाँ पे इसकी पोजीशन, तो क्या ये ऑप्शन में है, माफ कीजिएगा ये ऑप्शन में नहीं है, ओके सो ये ऑप्शन में नहीं है, इसको लिख लीजिएगा इमीजिएट लेफ्ट, ओके कि डी की पोजीशन जो है वो ए के रिगार्डिंग क्या है, तो ये है इसकी इमीजिएट लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गिवन है हाउ मेनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग साउथ, कितने पर्सन जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो पर्सन जो है वो साउथ फेस कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ओके इसको ठीक कर लीजिएगा, एक ऑप्शन को यहाँ पे इमीजिएट लेफ्ट कर लीजिएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट की जगह इमीजिएट लेफ्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके सो यहाँ पे है अब आपका मंथ बेस्ड पजल, ओके सो गिवन है सिक्स पर्सन है पी क्यू आर एस टी यू वर बॉर्न इन सिक्स डिफरेंट मंथ्स, जनवरी अप्रैल मई अगस्त सितंबर दिसंबर ऑफ अ ईयर, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो मंथ है उनको लिख लेंगे, जनवरी अप्रैल मई सितंबर अगस्त सितंबर एंड दिसंबर, राइट right? इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे थ्री पर्सन वर बॉर्न इन बिटवीन पी एंड यू, पी एंड यू के बीच में तीन पर्सन आएंगे, और इसी के संग आगे इन्होंने ये भी कह दिया है कि पी वॉज बॉर्न बिफोर यू, पी जो है वो यू से पहले है, तो यानी कि बिल्कुल सेम कंडीशन में आएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, देखो मेमोरी बेस्ड जो होते हैं उसमें शायद इसमें मतलब थोड़ा बहुत ये होता है इंसान की मेमोरी पे बेस्ड होते हैं, तो जनवरी अप्रैल और मई और अगस्त मतलब जो भी यहाँ पे लगे हैं ये एक सिक्वेंस में लगे हैं कि जनवरी के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के बाद मई आता है। मे बी आपके एग्जाम में अलग अलग गिविन हो कि पहले अप्रैल दे दे फिर दिसंबर दे दे, दिसंबर के बाद जनवरी लिखा हुआ हो, तो आप जब इसको अपने आंसर में सेट करेंगे तो आंसर में कैसे सेट करेंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं नो वन वॉज बॉर्न इन बिटवीन क्यू एंड पी, क्यू एंड पी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं आएगा, सो क्यू एंड पी के बीच में कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरी बात आप देख सकते हो यहाँ पे पी एंड यू वाली जो कंडीशन है इसको सेट कर सकते हो, अगर पी जनवरी में आता है तो वन टू थ्री का गैप दोगे, यू यहाँ पर आ जाएगा, एंड पी अगर अप्रैल में आता है, पी अगर अप्रैल में आते हो तो वन टू थ्री का गैप दोगे, यू आ जाएगा आपका दिसंबर में। अब क्यू और पी के बीच में गैप नहीं आएगा, तो क्यू आपका फर्स्ट वाली कंडीशन में कहाँ पर आ जाएगा, अप्रैल में, सेकंड कंडीशन में आ सकता है ये जनवरी में और मई में, राइट। तो दोनों जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर बना के चलिएगा। आगे कह रहे हैं टू पर्सन वर बॉर्न बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में दो पर्सन आएंगे, तो फर्स्ट डायग्राम में देखो वन एंड टू का गैप दोगे तो एस नहीं दे सकते बिकॉज यू फिक्स है, इसे हटा दो। थर्ड डायग्राम में देखोगे तो वन एंड टू का गैप दे सकते हो लेकिन एस ऊपर फिर कहाँ पे जाएगा, स्पेस नहीं है। नीचे की तरफ अगर आओगे तो अगस्त और सेप्टेम्बर दो का गैप दोगे तब भी एस को यहाँ नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पे दिसंबर में यू फिक्स है, यानी कि थर्ड भी यहाँ पे कट जाएगा। सेकेंड डायग्राम में आंसर मिलेगा वन एंड टू का गैप दोगे तो अगस्त में क्या आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बनकर आएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं टी वॉज बॉर्न बिफोर आर, टी जो है उसका जन्म आर से पहले होता है, तो इसको आप लिख सकते हो टी का जन्म जो है वो आर से पहले होता है, तो हम लोग यहाँ पे टी को क्या करेंगे ऊपर की तरफ लिखेंगे और आर को लिखेंगे नीचे की तरफ, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे निकल के आएगा, राइट। यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं एक बार,
सो फर्स्ट गिवन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न इन मई, किसका जन्म जो है वो मई में हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं किसका जन्म मई में हुआ है यहाँ पे, तो मई में है टी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एंड इसके बाद गिवन है हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने पर्सन का जन्म हुआ है, तो पी यहाँ पर है आर यहाँ पर है, तो पी और आर में यहाँ पे दो पर्सन का जन्म हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक बात और यहाँ पे अगर ये पूछा जाता है कि आपका जो पी का मंथ है और सेप्टेम्बर यानी कि आर का जो मंथ है इनके बीच में मंथ कितने मंथ का डिफरेंस है, तो आप यहां पे दो मंथ का डिफरेंस मत लेना, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त चार मंथ का गैप लेके चार जो है वो ऑप्शन में लगाना अगर ऐसा क्वेश्चन बन के आता है तो, ठीक है, तब आप इस चीज में मत चलना क्योंकि जो आपके मंथ है वो यहां पे मिस कर रखे हैं। चलिए अब एक आध जो श्लोक्स हैं उनको हम लोग यहां पे देख लेते हैं। नो स्क्वायर इज लोटस, तो उसको देख लेते हैं, नो स्क्वायर इज लोटस, देन ऑल पॉइंट्स आर लोटस, सो ऑल पॉइंट्स आर लोटस, सो और ऑल पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स को हम अंदर दिखाएंगे, लोटस को बाहर, सम स्क्वायर आर पार्क, सो सम स्क्वायर आर पार्क, कंक्लूजन गिवन है नो पार्क इज लोटस, कोई भी जो पार्क है वो लोटस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कोई भी पार्क जो है वो लोटस नहीं है, बिकॉज कुछ पार्क जो है वो लोटस नहीं है, ये हमें पता है, स्क्वायर का वो पार्ट जो कि आप पार्क का वो पार्ट जो कि स्क्वायर के पास है वो लोटस का नहीं है, लेकिन सारा ही नहीं है ये हमें नहीं पता है, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। देन गिवन है सम स्क्वायर बींग पॉइंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो स्क्वायर है वो यहाँ पे पॉइंट हो सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे रिलेशन नेगेटिव दिखाया है लोटस और स्क्वायर के बीच में, और जो आपका पॉइंट है वो लोटस के अंदर है, इसलिए यहाँ पे कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पे करेक्ट आंसर, नेदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, सम लॉक आर लैपटॉप, सो सम लॉक आर लैपटॉप, ऑल कीबोर्ड आर लैपटॉप, सो ऑल कीबोर्ड आर लैपटॉप, राइट, तो फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है ऑल लैपटॉप आर कीबोर्ड, सो ऑल लैपटॉप आर कीबोर्ड, ये तो हमें नहीं पता कि सारे लैपटॉप जो है वो कीबोर्ड है या नहीं, तो यानी कि फर्स्ट फॉलो नहीं होगा। देन नो कीबोर्ड आर लैपटॉप, कोई भी जो कीबोर्ड है वो लैपटॉप नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज सारे ही कीबोर्ड जो है वो लैपटॉप है, तो ये फिर कंक्लूजन तो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि यहां पर भी आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर, नीदर फर्स्ट नॉर टू फॉलोज, राइट। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, सो उसे जरूर व्यू करिएगा, उसमें क्वेश्चन जो है वो मैं काफी अच्छे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वॉलेट एंड बॉक्स उसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ, सो वो भी आप जरूर देखिएगा, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तब भी आप उसे चैनल पर जाके व्यू कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।